कुमारपुर के बुआ सालवी मैदान में यह देखिए शिव पार्थिवेश्वर पूजा समिति द्वारा पिछले 21 सालों से महाशिवरात्रि के अवसर पर सामूहिक 1008 शिवलिंग की महापूजा का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों लोग शामिल होकर शिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव के पार्थिवेश्वर शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं। यह पूजा सुबह 5 बजे से शुरू होती है, 9 बजे तक चलती है। इसमें कई प्रकार की विधि विधान से यहाँ पर विधिवत पूजा अर्चना कराई जाती है। आइए आपको हम सुनाते हैं इस मौके पर आयोजन समिति के सदस्य एवं गुरुजनों ने और क्या कुछ कहा है। पेश है खास रिपोर्ट। इस मैदान को हम मैदान नहीं कहेंगे, हम तो ऐसा कहेंगे कि ये शिव जी का मेला ही लग गया है। महाशिवरात्रि के महापर्व पर हर साल 1008 दंपत्ति आते हैं, तो हम उसे शिव पार्वती ही 1008 स्वरूप धारण करके आते हैं, ऐसी हमारी भावना है। शिव जी है, शिव जी के लिए सब आते ही है, और इतनी अच्छी मात्रा में समिति के लोग सहयोग करके पूजन करते हैं, उस पूजा का परिणाम है सब लोग भक्त का आनंद लेते हैं। इस महाशिवरात्रि के महापर्व पर चारों प्रहरों में पूजा होती है। ब्राह्म्य मुहूर्त से ही आरंभ होती है, प्रदोष पूजा भी होती है, याम पूजा तुरीय संध्या के समय की रात्रि की भी निश्चित काल की पूजा होती है। इस पूजा में सब लोग एक सामूहिक स्वरूप में जो पूजन करते हैं, इसी के वजह से ये पूजा का विशेष फल रूप माना हुआ है। गुरु पूजा कब तक चलेगा? ये शाम तक पूजा चलता रहेगा, प्रदोष पूजा भी होगी और निश्चित पूजा यानी रात्रि की पूजा भी यहाँ पे ही होगी। तो कितने लोगों ने हिस्सा लिया इसमें? कुल हम लोगों का संकल्प माध्यम जो है 1008 दंपत्ति होती है, मगर भक्त इतने बड़े हो गए हैं बाबा के, भगवान शिव जी के, कि हर एक को पूजा में बैठना है, तो करीबन 10,000 से ज़्यादा संख्या पूजा में बैठने वालों की होती है। तमाम शिवलिंग भी बने हुए हैं, इसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? अष्ट प्रकृति का पार्थिव पूजा का महत्व यह है कि पार्थिव यानी माटी से बने हुए शिवलिंग का पूजन जब होता है, तो इस पूजन में भगवान शिव का स्वयं आत्मस्वरूप विराजमान होना अपने आप में माना जाता है, और इसी में अष्ट प्रकृति का पूजन होता है। उस अष्ट प्रकृति के स्वरूप में ही ये 8 शिवलिंग पूजन में रखे जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग का भी स्वरूप आप बोल सकते हैं, अष्ट प्रकृति का स्वरूप भी आप बोल सकते हैं, कि विशेष रूप से यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग और अष्ट प्रकृति ये भाव से वो रखे हुए हैं। अमंगल रूप धारण करने वाले भगवान शिव भक्तों का मंगल करते हैं। भगवान को केवल भावना चाहिए, सभी भक्तों ने देव देश और धर्म के हिसाब से भक्ति के लिए भावना से भगवान से जुड़ लेना चाहिए। यह सामूहिक पूजा का जो आयोजन होता है, विगत 21 वर्षों से 20 वर्षों से वेदमूर्ति गोरक्षनाथ गुरुजी और शिव पार्थिवेश्वर पूजा समिति के माध्यम से किया जाता है, जो भारत का या विश्व का ऐसा कहेंगे कि एकमात्र आयोजन है, जो विभिन्न जितने भी लोग बैठते हैं उन सबको पृथक पृथक या हर एक को एक एक शिवपिंडी दे के उनका शास्त्र शुद्ध पद्धति से वैदिक पद्धति से पूजन किया जाता है। मलाड भी होती है, आप कहीं पे भी ऐसी सामूहिक पूजा महाशिवरात्रि के दिन पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी नहीं होती है, और इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है हमारे वेदमूर्ति गोरक्षनाथ गुरु जी को। और अगर आप इनको आप सोशल मीडिया पर सर्च करोगे तो श्री गुरु जी के नाम से ये बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, और हमारा एक भाग्य रहा है, सौभाग्य रहा है कि गुरु जी के आशीष हमें मिला है। और ये साल जब राम अयोध्या में जब प्रतिष्ठा थी तभी गुरु जी यहाँ से वहाँ गए थे पूजा के, तो ये बहुत ही हमारा सौभाग्य है कि हम उनके छत्र छाया में हैं, और बहुत लोगों को गुरु जी की वजह से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। हम
हैं यहाँ पे, कुछ भी उनको लेके नहीं आना है, कुछ भी फूल लेके नहीं आना है। यहाँ पे जो भी उनको मिलता है शुद्ध पद्धति से मिलता है, उनको लिए प्लेट ग्लास है, शिवपिंडी है, पूरा का पूरा समिति यहाँ पे आपको दे देती है, फूल से लेके बेल से पान से लेके सब कुछ सुविधा यहाँ पे आपको। कोई फ्री का कभी कभी कुछ बोल नहीं होता, तो एक ना फ्री भी है ना ज़्यादा लेते भी है, लेकिन नॉर्मल एक कि लोग ज़्यादा सीरियसली लें, इसलिए छोटा सा शुल्क हम लगा रहे हैं। 2200 लोग ऐसे पूजा करने के लिए बैठते हैं, और करीब करीब पुरार अन्य समाज जो हिंदू समाज है वो लगभग 10,000 की संख्या लोग हैं और इस पूजा को देखते हैं। तो ये हमारा माध्यम है पूजा करने का और लोगों को एक साथ बैठते हैं, एक साथ करते हैं। हाँ जी, ये सामूहिक पूजा होती है, हम उनको पहले पूजा बुक करा देते हैं और वो बैच देते हैं और उनको समय देते हैं, उसी हिसाब से वो आते हैं। कब से कर रहे हैं ये? ये लगभग 2003 से हमारा ये पूजा चालू है। कैसे कल्पना है कि इस तरह करना चाहिए? कल्पना मतलब जैसे मंदिरों में लोग जाते हैं, भीड़ भाड़ होता है, मतलब मंत्रोच्चारण भी बरोबर नहीं हो पाता है, अभिषेक भी शिवरात्रि के दिन नहीं हो पाता है, तो हमने ये गुरुजी हमारे जो हैं, एक दिन ऐसी चर्चा हुई गुरुजी से, तो बोले कि हम एक सामूहिक आयोजन करते हैं, तब से ये कल्पना आई और हम लोग ने शुरुआत किया। आज सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं आम जनता के लिए? बिल्कुल, आम जनता के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और हम वो पूरा कर रहे हैं।